जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। हम बात करेंगे आराद्रा नक्षत्र के बारे में। आराद्रा नक्षत्र अगर देखा जाए नक्षत्रों के अंतर्गत, तो ऐसी परिस्थिति में जो छठा नक्षत्र है वो आराद्रा माना जाता है। इससे पहले पांच नक्षत्र व्यतीत होते हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। उसके बाद आता है आराद्रा नक्षत्र। आराद्रा नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार की परिस्थिति होती है? आराद्रा नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो राहु हैं। ध्यान रखिएगा, आराद्रा नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो राहु हैं। नक्षत्र देवता देवाधिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं हैं। इस नक्षत्र को एक प्रकार का संहारक नक्षत्र भी कहा जाता है। आराद्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो इस संसार में किस लिए आपका जन्म हुआ है, क्या आपका स्वभाव है और क्या आपका विचार है, इस बारे में इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आराद्रा नक्षत्र का एक विचार होता है, आराद्रा नक्षत्र का एक जीवन जीने का तरीका होता है। आराद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु होने के कारण, नक्षत्र देवता शिव होने के कारण, किसी की अनैतिक प्रभुता कभी आपको एक्सेप्ट नहीं होती है। कोई जबरदस्ती दूसरों पर राज करना चाहे, दूसरों को नुकसान देना चाहे, ये आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता है या नहीं होती है। आप वो जातक जातिका होते हैं जो समाज में हो रही खराब चीज़ों का सबसे पहले खड़े होकर के विरोध करते हैं और उसके लिए आप किसी प्रकार का डर अपने मन में नहीं रखते हैं। ये आप सभी लोग जानते भी हैं। भगवान शिव की उस कहानी को आप लोगों ने सुना होगा जब वो अपने ससुर का विरोध करते हैं, आप जानते हैं सभी लोग, और वहीं से वो बहुत सारी कथाएं उत्पन्न होती है और उसके कारण बहुत सारी चर्चाएं रहती हैं, जहां पर उन्होंने विरोध किया अपने ससुर का और जिस जहां कि उनको देवताओं का नायक सेलेक्ट किया गया था, राजा सेलेक्ट किया गया था, तो ऐसे जो दक्ष थे, प्रजापति दक्ष थे, उनको प्रजा का वो सेलेक्ट किया गया, नायक सेलेक्ट किया गया प्रजा का, तो ऐसे परिस्थिति में भगवान शिव ने उनका विरोध किया, ये आपने देखा होगा। और यही परिस्थिति आपको देखने को प्राप्त होती है आपके अंदर, कि आप जब भी समाज में कुछ गलत हो रहा होता है तो उसके ऊपर खड़े होकर के सबसे पहले आप विरोध करते हैं। लेकिन क्योंकि इस राहु आपके नक्षत्र देव स्वामी हैं और शिव नक्षत्र देवता हैं। अब राहु का जो एक नेचर है ना, वो बड़ा डिफरेंट प्रकार का नेचर है। बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार जो माइंड है वो खराब चीजों की तरफ जाता है। माइंड को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। जनरली जो नेचर होता है वो अपने आप में रहने वाला नेचर होता है। भीड़ भाड़ या कोई क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, अपने आप में रहना, अपने जीवन में कुछ अलग करते रहना, अपने जीवन में कुछ डिफरेंट करते रहना, समाज से दूर, मोह माया से दूर, धन से दूर, बहुत धन की सोच नहीं, बहुत मोह माया की सोच नहीं, परिवार की सोच नहीं, कौन क्या कर रहा है बहुत मैटर नहीं करता है, सच क्या है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, मतलब एक डिफरेंट दुनिया के अंतर्गत आप जीते हैं। एकाकी जीवन अगर देखा जाए तो ये जनरली हमने अपने जीवन में आराद्रा नक्षत्र के लोगों के बारे में उठा करके देखा है। अब राहु होने के कारण, शिव होने के कारण किस प्रोफेशन में ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है? बहुत डिफरेंट प्रोफेशन है अगर हम देखें आराद्रा नक्षत्र के लिए, साधारण प्रोफेशन नहीं है। औषधि का व्यवसाय या औषधि के क्षेत्र में जाना, ये सबसे बेहतर व्यवसाय मुझे लगता है, सबसे बेहतर जो प्रोफेशन है वो आराद्रा के लिए हो सकता है। भगवान शिव इस संसार के संहार करता है, भगवान शिव इस संसार के संहार करता के रूप में देखा जाता है। और एक डॉक्टर जो है उसके लिए दो प्रकार की चीजें होती हैं, वो बीमारियों को मारता है और लोगों को जीवन दान देता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भी यही करते हैं। भगवान शिव के लिए श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि देव न दूज समुजस जऊ नर कर विश्वास। भगवान शिव जैसा इस संसार में कोई देवता नहीं है। भाभी उमेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं। सो जनरली मेडिकल के प्रोफेशन में जाया जाए तो आपको सफलता प्राप्त होती है। डॉक्टर बना जाए तो निश्चित रूप से आपके लिए सफलता का क्षेत्र होता है। पर साथ में
जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर बने जाएं, होम्योपैथ के डॉक्टर बने जाएं, तो ऐसे कंडीशन में और अधिक सफलता आपको प्राप्त होती है। साथ में जो इंपॉर्टेंट पार्ट देखा गया है आराधना नक्षत्र के लिए, जो मेरा विचार आया है, जो मुझे नजर आया है, लोगों को अपनाना, आपका जो नेचर है, मैं उस नेचर में और चीजें ऐड करना चाहूंगा, जिनको शायद सभी लोग तिरस्कृत करते हैं, जिनको शायद कोई नहीं अपनाना चाहता है, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, उनको अपनाना, उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, ये आपके नेचर के अंतर्गत कहीं ना कहीं इनबिल्ट होता है। परमात्मा ने इस चीज को डाल करके भेजा होता है। बट ऐसे हथियार, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, कौन से बिजनेस भी फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसे जैसे जो हथियारों का बिजनेस है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। मेडिसिन का जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। लोहे से रिलेटेड जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। जो भी बाथरूम इत्यादि में यूज करने वाले नलके इत्यादि जो इस प्रकार का बिजनेस है वो बहुत फायदेमंद होता है। ड्राईक्लीन का बिजनेस बहुत फायदेमंद होता है। लिकर का बिजनेस आपके लिए बहुत फायदे, नशीली पदार्थों का जो बिजनेस है वो बहुत फायदेमंद होता है। मैं उसको शिव से जोड़कर नहीं देख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, बट नशीली पदार्थों का बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कार्यक्रम में कितनी लंबी वीडियो आपको दे सकता हूं, समय कम होता है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9821533727, वो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। अभी मैं बहुत सारी जानकारियों पर रिसर्च कर रहा हूं और आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप मुझे कॉल करके, समय लेकर के अपने विषय में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिए। बाकी आप कॉल करके, मेरा समय लेकर के, विस्तार के साथ अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस लिए आपका जन्म हुआ है ये जरूर जान सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।